राकेश रोशन ने बधाई दी सैफ अली खान को। उन्हें विक्रम वेदा में सैफ की एक्टिंग इतनी पसंद आई कि वो उन्हें फ़ोन करने से नहीं रोक पाए। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की ये फिल्म 30 सितंबर को रिलीज़ हो रही है। राकेश रोशन को हालांकि दोनों की एक्टिंग बेहद पसंद आई, लेकिन उन्होंने सैफ की एक्टिंग को बाकायदा फ़ोन करके तारीफ की। विक्रम वेधा की स्क्रिप्ट ऋतिक को पहले इतनी पसंद आ गई थी कि वो इसकी राइटिंग से चौंक गए थे और उन्हें ये फिल्म करनी ही थी। स्टार्स और राकेश रोशन को ये फिल्म बेहद पसंद आई है, लेकिन अब ये जानने वाली बात होगी कि ये फिल्म ऑडियंस के दिलों में कितनी बसती है। PS1 में ऐश्वर्या राय मुख्य भूमिका में नजर आने वाली है। इस फिल्म में वे डबल रोल कर रही हैं, जो बदला लेने की कगार में होती है। ये फिल्म 30 सितंबर को रिलीज होने वाली है और इसको अभी से न चलने की धमकियां मिलना शुरू हो गई है। ये धमकियां कनाडा से आई है। हालांकि धमकियों की वजह समझ नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी इस फिल्म को बॉयकॉट करने की कोशिश की जा रही है। थिएटर्स में ना चलने की भी धमकियां दी जा रही हैं। शायद इसी वजह से कपिल शर्मा शो पे सारी स्टारकास्ट के मौजूदगी के बाद भी ऐश्वर्या राय बच्चन नहीं नजर आई। आमिर खान करीना कपूर के साथ लाल सिंह चड्ढा बनाने के बाद अब अनुष्का शर्मा के साथ लेकर आ रहे हैं नई फिल्म। ये फिल्म एक स्पोर्ट्स ड्रामा पे बेस्ड है और इसमें आमिर खान एक बास्केटबॉल के कोच की भूमिका निभा रहे हैं। ये फिल्म अगले साल जनवरी में रिलीज होने के कयास लगा रहे हैं और बताया जा रहा है ये फिल्म एक फॉरेन फिल्म की कॉपी है। जहां आमिर खान की फिल्म लोगों ने बैन कर दी है और ना देखने का मन बनाया है, वहीं ये देखने वाली बात होगी कि वो इस फिल्म को कितना अपनाते हैं। सुनने में आया है कि दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की शादी टूटने के कगार पे है। उनकी शादी 14 नवंबर 2018 में हुई। केवल 4 साल की मैरिज में ये शादी में दरार आ गई। रणवीर दीपिका को पिछले 12 साल से डेट कर रहे हैं। ये अफवाहें तब फैली जब किसी ने इस कपल के ट्वीट को वायरल कर दिया, जिसमें लिखा था ब्रेकिंग। आज बॉलीवुड में जैसे डिवोर्स आम बात हो गई है, सोहेल खान, अरबाज खान, आमिर खान, इन सब का डिवोर्स हो गया है। ये मानना मुश्किल हो रहा है कि कैसे 25-25 साल पुरानी शादियां भी टूट रही है। हम यही मानेंगे कि रणवीर दीपिका की ये शादी टूटने की खबर बस एक अफवाह हो। ये मानना अब मुश्किल हो रहा है कि कैसे 25-25 साल पुरानी शादियां टूट रही है। हम यही मानेंगे कि रणवीर दीपिका की ये शादी टूटने की खबर एक अफवाह हो।